गई सुबू और सिमी की शादी, खुल गई सुबू की पोल, नहीं चली सुबू एंड फैमिली की शातिर चाल। अरे इशिता मैडम के रहते आखिर भल्ला फैमिली का कौन बाल बांका कर सकता है। सुबू चराता था सिमी से शादी करके इशिता और भल्ला फैमिली से अपना बदला निकालने के लिए, लेकिन एन मौके पर उसकी चाल हो गई टाइम टाइम फिर। और देखिए जरा सिमी और सुबू की शादी रुकवाने के लिए इशिता ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। सज धज कर कांजीवरम साड़ी पहनकर ऑटो में सवार होकर स्ट्रगल करते हुए कोर्ट पहुंची, और जैसे ही सुबू शादी के पेपर्स पर साइन कर रहा था, बिल्कुल हीरो की तरह एंट्री मार कर उसके हाथ से पेन छीन लिया इशिता ने। शादी रुकवा दी एंड मौके पर। मैं जा रही हूँ मेरी बहन को, मेरी ननद को बचाने के लिए। मुझे पता चला है कि उसकी जहाँ पे शादी हो रही है वो रिश्ता बहुत कुछ गड़बड़ है उस रिश्ते में। सो आई एम रशिंग, मेरा टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का, एंड फिर मैं रिक्शा पकड़ती हूँ और फिर रिक्शे में जा रही हूँ। मंजिल तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इशिता, मेरा काम थोड़ा आसान नहीं करी, तो आई थिंक अब इशिता को लेकर जो टेंशन है सुबू को कि उसको शायद कुछ पता चल गया हो। जो एक्चुअल सच है इतना बता सकता हूँ कि वो अभी तक उसको पता नहीं चला है। जो उसको बताया गया है उसको उतना ही पता है, लेकिन जो सच में हुआ है सुबू के साथ और लक्ष्मी के साथ वो अभी तक उसको नहीं पता है, तो आई थिंक वो खुलासा अभी आगे जाके होगा। भाई इशिता ने तो ये शादी रुकवा दी है फिलहाल, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बेचारी सिमी, शादी के इतने सपने संजोए थे सुबू के साथ और इशिता ने आकर अड़ंगा लगा दिया। एक तरफ सिमी और भल्ला फैमिली परेशान, तो दूसरी तरफ सुबू का गुस्सा पहुंच गया सातवें आसमान पर। आप WWE देखते हैं तो वही समझ लीजिए कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपने देखा होगा कि सुबू जब अपनी दवाई नहीं लेता, जब उसको गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी को भी नहीं छोड़ता, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और भले ही पूरा भल्ला परिवार वहाँ पे हो, लेकिन सुबू को संभालना थोड़ा मुश्किल है। तो देखो सुबू ने पहले मुझे धोखा दिया था, वापस वो जिंदगी में किसी को धोखा दे रहा है। जाहिर सी बात है, I don't like this attitude at all, and सुबू की तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बैंड बजा दूं। बाप रे, लगता है सुबू यहाँ पर कुछ बड़ा कांड करने वाला है। वैसे फिलहाल इशिता ने तो शादी पर ब्रेक लगा दी है, लेकिन भल्ला फैमिली और सिमी सब इशिता के पीछे भाग कर गए हैं। अरे आखिर उन्हें भी तो जानना है कि इशिता ने किस खुशी में सिमी की शादी रुकवाई है। रमन तो बेचारे अभी उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इशिता कुछ ज्यादा ही बोल रही है, हमेशा इशिता बोलती शादी करा दो, फॉर अ चेंज इशिता बोल रही है कि शादी नहीं होनी चाहिए। आई एम एक्टिंग लाइक अ वैम्प राइट नाउ। सब लोग आश्चर्यचकित है कि इशिता ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। चलिए भाई, फिलहाल तो ये शादी का ड्रामा यहाँ रुक गया, लेकिन बहुत जल्द ये है मोहब्बतें में सुबू की पत्नी लक्ष्मी की मौत का खुलासा होने वाला है, और इसके साथ ही पता चलेगा कि सुबू क्यों इशिता और भल्ला फैमिली से बदला लेना चाहता है। आज तक ब्यूरो।